उत्तर प्रदेश से हनी ट्रैप का एक बड़ा मामला सामने आया है। बिजनेसमैन से लेकर पुलिस अफसर तक गंवा चुके हैं करोड़ों रुपए। दुनिया में सेक्स का बाजार हमेशा से गर्म रहा है। अरबों की तो पॉर्न इंडस्ट्री है और करोड़ों में सेक्स वर्कर भी हैं। सेक्स हमेशा लोगों का आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में भी सेक्स को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहता है, चाहे वो अनैतिक सेक्स ही क्यों ना हो। गरीब से लेकर अमीर तक सेक्स के लिए काफी कुछ गंवाने को तैयार रहते हैं और शातिर औरत और लड़कियां इसी का फायदा उठाकर लोगों को कंगाल तक कर देती है। डिजिटल दुनिया में सेक्सटॉर्शन काफी चलन में आ गया है, जिसके जरिए लड़कियां तथाकथित इज्जतदार लोगों को अपने जाल में फंसाकर उसे लूटती है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश से आ रहा है, जो पूरे प्रदेश में सनसनी फैला रखा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में हनी ट्रैप का मामला सुर्खियां बटोर रही हैं। 38 साल की एक महिला ने एक कथित पत्रकार के साथ मिलकर हनी ट्रैप का पूरा खेल रच दिया। कुछ लड़कियों को इकट्ठा किया और गैंग बना लिया। आरोपियों ने नेता, अफसर और शहर के बड़े बिजनेसमैनों को अपना शिकार बनाया। हालांकि पुलिस ने महिला और कथित पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हनी ट्रैप के शिकार अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। पीड़ितों ने पुलिस के सामने आरोपी महिला को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए फेसबुक से उनके पूरे प्रोफाइल के बारे में पता करती, इसके बाद उनका नंबर निकालकर गैंग की लड़कियों से वीडियो कॉल कराती। कॉल के दौरान लोगों के न्यूड फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती, फिर वो ब्लैकमेल कर लोगों से मोटी रकम वसूल करती। पुलिस के अनुसार अब तक आरोपियों के खिलाफ 4 केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि पूरा गैंग फरार हो चुका है। पुलिस ने गैंग की सरगना महिला और कथित पत्रकार के खिलाफ नोटिस तक लगा दिया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि जल्द ही पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैंग के झांसे में पीलीभीत के थानेदार घुंगचाई भी फंस गए थे। इनकी शिकायत बरेली के बरादरी थाने में दर्ज है। गैंग की सरगना का नाम माधुरी पाल बताया जाता है। उसके पति की मौत हो चुकी है। पुलिस के अनुसार अब तक लगभग 35 से 40 लोगों को ये गैंग अपना शिकार बना चुकी है। साथ ही पीड़ितों से 2 करोड़ से ज्यादा रुपए की रकम भी वसूल कर चुकी है। एक एनजीओ में काम करने वाली युवती ने इस हनी ट्रैप गैंग को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। युवती के अनुसार पैसे कमाने का लालच देकर आरोपियों ने अपने गैंग में जोड़ना चाहा। यहां तक कि गैंग के सदस्यों ने साजिश रच उसके फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद वो धंधे में उतारने का बाध्य करते रहे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गैंग के शिकार 12 ऐसे लोग हैं जो 7-7 लाख रुपए देने के बाद भी हर महीने 20-20 हजार रुपए उनके खातों में भेज रहे थे। बरेली के एसपी सिटी राहुल भाटी के मुताबिक केस दर्ज होने के बाद पूरा गैंग फरार हो गया है, लेकिन पुलिस की टीम उन्हें जल्द ही ढूंढ निकालेगी और गिरफ्तार भी कर लेगी। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।